नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली में सुल्तानपुरी के अंदर जे कॉलोनी है सुल्तानपुरी, और यहाँ पर हम ढूंढने निकले हैं ऐसे हीरे को जो जे कॉलोनी में होकर, जोगी बस्तियों में, स्लम एरिए में होकर, और इतनी भाषाओं के ज्ञानी हैं, 22 भाषा वो जानते हैं अजय राज जी। और हम उनके इंस्टीट्यूट पर आए हैं उनको देखने के लिए, क्या जो बातें करते हैं, जो सुनते हैं उनके बारे में, कि वो इतनी भाषाएं जानते हैं और इतना प्रैक्टिकल ज्ञान है उनको, इतने पढ़े लिखे हैं और वाल्मीकि समाज से बिलोंग रखते हैं, और तकरीबन जितने भी गरीब लोग हैं एरिया के, जो स्लम एरिया के जितने भी गरीब जो लोग हैं उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं और कम फीस में भी वो पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सके और अलग अलग देश की भाषाएं और राष्ट्र की भाषाएं जो है वो बच्चों को स्टडी कराते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं अजय राज जी के इंस्टीट्यूट में। अजय राज जी सर, थैंक्स। आज हम आए हैं आपके सुल्तानपुरी में और काफ़ी आपके बारे में सुना था, आ रहे हम देख रहे हैं 25 गज में हमने सुना था कि बड़े लेवल पे, ऐसा सोचा था हमने कि बड़े लेवल पे मिलेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि 22 भाषाएं आप जानते हैं, और लेकिन 25 गज में देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चलिए हम बात करेंगे आप अंदर से इंस्टीट्यूट, हम देखना चाहेंगे क्या कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो अजय राज जी का जो इंस्टीट्यूट है, एक फ्री एजुकेशन और कम फीस में जो है ये एजुकेशन देते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम देखना चाहते हैं क्या ये सही है। जी चले सर, आइए। तो ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से है या अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे हैं? एक्चुअली शिक्षा जातियाँ नहीं देखती है जी, जरूरतमंदों के लिए काम हो जाए ये मोटो है जी। तो आपने ये, हम देख पा रहे हैं कि आपने काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों के, संघर्षशील लोगों के जो है जो शख्सियत है उनके जो यहाँ पर है, आपने फोटोज लगाए हुए हैं, जैसे माँ सावित्री बाई फूले हैं, ज्योतिबा राव फूले। अच्छा, हम बच्चों से जानना चाहेंगे आपको अजय राज जी कैसे लगते हैं? अच्छे, ये एक अच्छे होना टीचर हैं। यस सर। तो आप ही धीरे धीरे करके भाषाएं सीख रहे होंगे, क्योंकि 22 भाषाएं जो अजय राज जी जी। तो अभी फिलहाल आप लोगों में से कम फीस कौन कौन देता है? और जो बिल्कुल फीस नहीं देता वो सब आदमी के नहीं, और जो बिल्कुल फीस नहीं देते वो कौन लोग हैं? एक दो तीन चार, बस ये चार चार। अच्छा, आप भी पांच, छह बच्चे जो हैं। इस तरफ भी दिखाइए, कैमरा मैन दिखाइए। आप लोगों में से कौन फीस देता है? फीस देते हैं। अच्छा, तो चलिए छह बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल फीस नहीं देते हैं, और जो काफ़ी तादाद जो यहाँ पर दिखाई दी वो कम फीस में जो है वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं। तो अजय जी, क्लास चल रही है, हम जरा इत्मीनान से आपसे कहीं बात करना चाहेंगे आपको। थैंक यू डियर, डू कंटिन्यू। तो चलिए हम बात करेंगे अजय राज जी से। अच्छा अजय राज जी, आप इतनी भाषाएं जानते हैं, 22 भाषाएं आपने अपने रिज्यूम में भी हमें हमको दिखाया है कि 15 भाषाएं जो है वो आपने बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से, जो सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आपने सीखी है, स्टडी किया है, और कई भाषाएं ऐसी जिसमें आपने जिक्र भी नहीं किया, जैसे राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा और भी कई भाषाएं, तो उसको टोटल मिलाकर आपने 22 भाषाओं का जो ज्ञान है, मगर आपको फायदा क्या हुआ इस भाषा से? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि भाषाओं से फायदा क्या होता है। बाबा साहिब एक मिशन चलाए पूरी दुनिया में, देश में, और देश में खास तौर पे क्योंकि देश की ज़्यादातर मेजर जो पॉपुलेशन थी उनकी साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि SC ST और देश के मूल लोगों की समस्याएं थी वो जंगलात में थे, उनके एक पर्टिकुलर पैटवास थी जिनको वो प्रयोग करते थे। तब जब वो चिन्हित होने लगी जाती है तो बाबा साहिब ने पहले उनको आइडेंटिफाई कराया,
एसटी एसटी के लिए उन्हें आइडेंटिफाई कराया, कोडिंग हुए, तो आज भी हमारे देश में आप देखेंगे इस देश की पहचान क्या है, इसकी भाषा, इसका कल्चर। भारत की सबसे बड़ी आइडेंटिटी उसकी भाषा और उसका कल्चर। भाषा एक नहीं है देश में, पर भारत एक है। तो सब लोगों को आज भी हमारे एसटीज लोगों से अगर आप बात करेंगे, संथाल हो गए, गोंड हो गए, गारो, खासी, अगर इन जातियों से आप बात करेंगे तो आप देखेंगे दियर लैंग्वेजेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। इट मीन्स दे आर द एबोरिजिनल फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब से कभी भारत बना होगा तब से इस देश के लोग हैं वो। तो भाषाओं का चलन, भाषाओं के आइडेंटिफिकेशन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 1400 ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है, जिसके आज बोलने वाले भी कम से कम रह गए लोग, 5-7 की संख्या में रह गए। भाषा को पहचान ऐसी है, मान लो कि आप दुनिया को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ दिशाओं में, अगर मेरे से आप पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं आपसे बोलूँगा मैं कनाट प्लेस जा रहा हूँ, मैं गुजरात जा रहा हूँ। पर आज भी पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों में अगर आप पूछते हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट जा रहा हूँ, ऐसे करके डायरेक्शन की बात करते। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोगों ने डायरेक्शन सीखा, बाद में जगहों के नाम बने, और भाषा एकमात्र जरिया है दुनिया को अपने दिल का हाल बताने के लिए। तो भाषाओं को सीखने का मतलब ये भी था, अगर देश को समझना है तो भाषा समझनी पड़ेगी। अच्छा, आपके आपके काफ़ी स्टूडेंट जो मिले हैं वो काफ़ी भाषाएँ जो है वो जानते हैं, स्टूडेंट हैं, और वो टीचिंग भी जो है वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उनका तो ये नहीं कि वो वाल्मीकि, खाली वाल्मीकि जाति के हैं, और भी कई जातियों के जो लोग थे, बच्चे थे, वो स्टडी कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं भाषा। और ऐसे स्लम एरिया में, सुल्तानपुरी में, और इतनी ज़्यादा भाषाएं बच्चे जानते हैं, और जिनके टीचर अजय राज टीचर जो भाषाएं सिखा रहे हैं, और एक छोटा सा आपने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला हुआ है, जबकि आप जैसे लोगों को तो सर्च करती है सरकारें कि कोई इतना अनुभवी हमें मिले, और आप एक छोटे से यहाँ पर 25 गज में आप यहाँ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आपको कभी सर्च नहीं किया गया, या सर्च किया गया होगा तो आपकी जाति तो आड़े नहीं आ गई। नहीं, वो एक्चुअली ये बहुत अच्छा बात है कि मेरी जाति का मुझे अभिमान है, जिस जाति में पैदा हुआ मुझे उस पर अभिमान है। बिकॉज अगर हम वाल्मीकि के अनुयायी है, तो मैं पूरी दुनिया को आज बता दूं, जब लोग कपड़े भी नहीं पहनना सीखते तब हमारे गुरु ने रामायण के निर्माण कर दिया। जब लोग को सेंस ही नहीं था कि कपड़े क्या है, आज से हजारों साल पहले जब रामायण लिख दिया, तो इसका मतलब है हम तब के पढ़े लिखे जब लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था। तो मुझे इस बात पे कभी भी मतलब अटपटा सा महसूस नहीं होता कि मैं वाल्मीकि हूँ। लोग अगर मुझसे घृणा करते तो वो बीमार है, और मैं उनका इलाज नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है। समय उनका इलाज करेगा जिनकी ऐसी मानसिकता है। पर हाँ, इस देश का मूल निवासी हूँ, इस देश का जर्रे जर्रा मेरा है, ये भारत मुल्क का मैं सिपाही हूँ, भारत का मैं बच्चा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज जो भी त्रुटियाँ देखने को मिलती है जातिगत आधार पर, ये नहीं हो। क्योंकि जब आप अपने देश की भाषा के लोगों को ही नहीं समझ पाते, तो आप उनकी समस्या का निवारण कहाँ करेंगे। जी, कानपुर माजरा में विधानसभा है, और यहाँ स्लम एरिया है, और स्लम एरिया आज से नहीं है, बहुत हैं काफ़ी सालों से जो ये स्लम एरिया है, जे कॉलोनी है, और यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नशाखोरी ज़्यादा है, और जुआ ज़्यादा खेलते हैं, बच्चे बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, बिगड़ैल परिवार होता है, और रिश्ता करने से भी जहाँ लोग कतराते हैं, ये वो कॉलोनी है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि इस कॉलोनी की खासियत क्या है, जे कॉलोनियों में क्या होता है, कैसे एजुकेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और कैसे किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो वो बोलते हैं कि बच्चों का रिश्ता वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो जे कॉलोनी है, झुग्गी बस्तियाँ हैं, मगर जागो समाज चैनल की मूवमेंट ये है कि हीरो को तराशने का काम जो है जागो समाज चैनल करता है, जो आपकी सोच को हम बदलना चाहते हैं। और हमारे बीच में जो ये शख्सियत जो बैठी हैं, अजय राज जी हैं, और अजय राज जी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये दिल्ली में रहते हैं, और कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या क्या इन्होंने किया, वो पूरी बात हम आपको बताएंगे। मगर छोटी सी बात हम बता दें कि अजय राज जी वाल्मीकि जाति से संबंध रखते हैं, उसमें इन्होंने जन्म लिया है, और इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो देश विदेश की 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं अजय राज जी, और अजय राज जी वाल्मीकि जाति से हैं, और बताने में बिल्कुल शर्म नहीं करते, और फक्र
फक्र समझते हैं क्या। और मगर एजुकेशन में तो आप जैसे 22 भाषाएं जानते हो और आप बच्चों को टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और फ्री एजुकेशन मैंने सुना आप फ्री एजुकेशन भी आप देते हैं, तो आपका जो मूवमेंट है वो अगर 25 गज से अगर एकड़ में चला जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, और वो सरकार कौन सी सरकार करेगी, तो ये भी एक सोचने की बात है। क्योंकि अभी बताया एजुकेशन में जो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो अच्छे से काम कर रही है, ये अजय राजी का कहना है और काफ़ी लोगों का भी कहना है, मगर हम ये जानते हैं कि जो सबसे निचले पायदान पर जो जाति है और जो गरीब शोषित जो लोग हैं, जैसे वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, तो उनके लिए आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो बढ़ चढ़ कर कितना हिस्सा लेती है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, तो अगर वो अजय राज जी जो चाहते हैं, जो इनका मिशन है कि फ्री में बच्चों को एजुकेशन देना और बच्चों को रोजगार के काबिल बनाना, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार के काबिल वो नहीं बनेंगे, तो इनका मोमेंट है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सिखाई जाए और उनको शिफ्ट किया जाए, चाहे वो किसी भी देश में जाए या स्टेट में जाए, तो वो बेबाक होकर जो है वो काम कर सकते हैं। तो अजय राज जी चाहते हैं कि उनका दिल्ली के अंदर और स्लम एरिया के अंदर, जे कॉलोनी के अंदर आसपास में उनको कहीं सरकार फ्री ट्रस्ट जो बाबा साहब के नाम से, और वो उनको बना कर दे, और अजय राज जी इसमें बहुत अच्छा मोमेंट चला सकते हैं, और इनके पास टीचर भी हैं जो फ्री में काम करना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। तो जागो समाज चैनल की भी यही मुहिम है कि जितने भी गरीब शोषित बच्चे हैं, देखिए गरीब शोषित बच्चे खाली वाल्मीकि जाति में नहीं है, वो हर वर्ग में होते हैं, ब्राह्मण जाति में भी जो है गरीब बच्चे हैं जिनका लोग छीनकर खा चुके हैं, जो स्वर्ण जाति बन चुके हैं, मगर वो आज भी जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब ही हैं। तो उनके लिए भी जो है हमारे अजय राज जी जो है वो काम करना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अजय राज जी से आज बात करके इनकी दिल की भावनाएं जानकर बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को भी पता लगी होगी इनके मन में भावना क्या है। अजय राज जी आपने हर पार्टी के लिए काम किया है, उनको सपोर्ट किया है, वो आपने किस कारण किया है वो भी हम समझ चुके हैं, कि आपका सिर्फ मोमेंट यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो है गरीब लोगों की ऊपर तक जो है संसद तक पहुंच सके, मगर पार्टियों ने आपकी रखी नहीं कहीं भी, और आपका जो है मिसयूज किया गया है, और आज आम आदमी पार्टी से आप क्या भावनाएं रखते हैं? मैं आम आदमी पार्टी को एक मिशन मानता हूँ जो देश में बदलाव की राजनीति करने के लिए आई, और उसका बदलाव पूरी दुनिया देख रही है, देश ही नहीं पूरी दुनिया ही देख रही है उसका बदलाव। मैं आम आदमी पार्टी में पहला शख्स जो डायरेक्टली पार्टी ज्वाइन किया, जब पार्टी 2013 में इस्टेब्लिश हुई तो पहले दिन से ही मैं यह झंडा लेके चला हूँ आदमी पार्टी का, मेरे कुछ दोस्तों के साथ जो लेके आए इस मिशन में। मैं पर्सनली संजय भाई जी से, पंकज गुप्ता जी से, दिनेश वाघेला जी काफ़ी बार मीटिंग में नहीं आया, मैं बोला ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और मैं इसमें साथ हूँ, मुझे पता है कि जब मेरी दिल्ली बदलेगी तो मैं भी बदलूँगा, दिल्ली का भला तो मेरा भला। तो जब मैं झंडा लेके आम आदमी पार्टी का चलता था इस कॉलोनी में, तो लोग मुझ पर हंसते थे, क्योंकि मैं पहला दिन से आम आदमी पार्टी वर्क कर रहा हूँ सुल्तानपुरी में, मैंने कभी किसी जिज्ञासा बस नहीं, और पहला ही व्यक्ति हूँ जिन्हें पहली कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले तो बहुत पार्टी थी, और काम करने का मतलब ये था कोई अच्छा आदमी आए, पर जब आम आदमी पार्टी में आया तो मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जो सबकी बात करती है, और हकीकत में ऐसा है भी और देखा भी, और आज भी और मेरे मरते भी मैं इस पार्टी में ही रहना चाहूँगा, क्योंकि जो सबका भला कर सकती है शायद उसमें सबका ही भला है। जी आपको तो कोई पद भी दिया? हाँ, अभी मैं SC ST का मेंबर हूँ दिल्ली सरकार में, और श्रमिक विकास संगठन दिल्ली प्रदेश का सचिव भी हूँ निर्माण भवन संघ से। तो एक ऐसा मुहिम ही है, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो लोग परेशान हैं, और आज भी तो मैं काम कर रहा हूँ, और पार्टी मेरे लिए माध्यम बन गया लोगों के लिए और भी अच्छे से काम करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बगैर पार्टी के, बगैर आप व्यवस्था के, तो आप ना तो किसी की मदद कर पाएंगे, ना और कुछ कर पाएंगे, ना आवाज़ उठा पाएंगे। आज जागो समाज चैनल भी जो ये मुहिम में लगा रहता है कि ऐसे हीरे जो अजय राज जी जैसे जो हीरे हैं वो आपके सामने आए, और
आपको हम बता दें एक खुशी की बात कि भारत सहित 41 देशों में जागो समाज चैनल को लोकप्रिय मान चुके हैं, इसको जो है पसंद करते हैं लोग, और काफ़ी विदेश से जो है वो कॉलें भी आती है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान और काफ़ी देशों से हमारे पास कॉल भी आती है, और वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अच्छी आवाज़ उठाते हैं। मगर खाली जागो समाज चैनल की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा अजय राज जी जैसे और काफ़ी जो लोग हैं, जितने सोशल वर्किंग जो करते हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, और गरीबों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ और वंचितों की आवाज़, जो कभी से वंचित है, हजारों सालों से वंचित है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, और पार्टियों में भी जगह बनानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी है, और अपनी आवाज़ को दुरुस्त तरीके से उठाना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अजय राज जी अगर आम आदमी पार्टी में, अगर जरूरत पड़ती है बीजेपी पार्टी में कोई आपका भाई चाहे, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि अगर वो इसकी स्वेच्छा है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करता, पर मेरी नज़र में बीजेपी पार्टी अपने हमें, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोगों का यकीन है, दो बार पीएम बना दिए उनको, लोग उनसे पर्सनली कुछ नहीं मांगता, ना वो अपनी जेब से करते, पर जहाँ ये रिजर्वेशन को दोबारा से रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जॉब कह के जॉब ना देने की बात कर रहे हैं, तो जनरेशन की, मेरे जैसा लोग तो जनरेशन की नसों में जहर नहीं घोल सकता, बाकी उसकी स्वेच्छा पार्टी में अपने लाभ के हिसाब से जाएगा, पर मैं कहता हूँ कि ये तो लोगों को दिखता है कि कौन काम कर रहा है, सर्व समाज के लिए काम कौन कर रहा है, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सारा काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली के कॉन्सेप्ट में, और मेरे लिए आज ये मुहिम जो दिल्ली से चली है ये पूरा देश में ही फैलेगा, क्योंकि इस बात का लोहा तो पूरी दुनिया मान गई है, जब नीयत साफ तो किसी भी काम को किया जा सकता है, बाकी समाज कहीं भी किसी भी रूप तरफ जाता है तो उसकी स्वेच्छा है, अगर उसमें काबिलियत है वो कहीं भी जाके काम करता तो कर सकता है, पर मैं अपने आप से इतना सा बात जानता हूँ कि अगर कोई मिशन में ईमानदारी, जात पात का भेदभाव ना हो तो वो लंबा चला जा सकता है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्लोगन, जब पूरी दुनिया गुलामी की दास गुलामी में जी रही थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में एक स्लोगन देते हैं, लिबर्ते इक्वलिते फ्रातरविते, कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर फ्री, वी ऑल आर ब्रदर्स, तो इवन दिस इज द मोटो ऑफ माय पार्टी, आम आदमी पार्टी, सो व्हेन वी आर लिबरल, व्हेन वी आर फ्री, व्हेन वी आर बिहेव एज ए ब्रदर टुगेदर, तो ऑफकोर्स दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटो ऑफ वुमन दैट वी कैन हैव टू रियली स्टैंड फॉर वन अनदर एवर, दैट्स इट। जी बिल्कुल, देखिए आज का जो मोटिव था वो सिर्फ अजय राज जी को आपके सामने लाना था, और रविदास जी का जो मंदिर जो तोड़ा गया है तुगलकाबाद के अंदर, और वाल्मीकि तीर्थ को जो राम तीर्थ जो नाम दिया गया, वो दिल्ली के अंदर जो मूवमेंट चलाई है, जो प्रोटेस्ट किया है, वो सिर्फ अजय राज जी ने यहाँ पर बड़े जोर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर किया था, और वो हमने आपको दिखाया भी था कि इतनी भारी तादाद इनके साथ युवाओं की थी और महिलाओं की थी, और इन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट किया था वो अजय राज जी ने किया था, और अजय राज जी जो है वो एक मिशनरी इंसान हैं और शख्सियत है, ये गरीब शख्सियत है, मगर अगर इस गरीब शख्सियत को अगर सहारा मिल जाए सरकार का, और अपने इनके जो समाज के जो लोग हैं उसका अगर सहारा मिल जाए, तो अजय राज जी एक बड़ा मूवमेंट चलाना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और स्वास्थ्य को लेकर, और रोजगार को लेकर। मगर अगर आपको आम आदमी पार्टी से अगर टिकट मिल जाए तो आप क्या अपने एरिया के लिए करना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा ऑलरेडी जहाँ मेरी टिकट की बात है, हाँ तुम्हारा पर्सनल आपका फीलिंग है, जहाँ तक वो मेरे पार्टी का निर्णय है, मेरा पार्टी मुझे मौका दे या पार्टी सुल्तानपुरी में रहने वाले किसी को भी मौका देंगे, मैं आज पार्टी का वॉलंटियर हूँ। मैंने देख लिया कि पूरी दिल्ली में काम हो रहा है जिससे सुल्तानपुरी भी अछूता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य का लाभ सुल्तानपुरी के लोग भी ले रहे हैं, शिक्षा का लाभ भी सुल्तानपुरी के लोग ले रहे हैं। मेरी पार्टी किसी को भी चुन के भेजती है, उनका निर्णय मेरे सर माथे पर, मैं उसके लिए काम करूँगा। और रही बात मेरे मौका मिलने की, वो पार्टी का अपना सेल्फ निर्णय रहेगा, वो मुझे या किसी को भी मौका दे, पर पार्टी अगर मुझे ना देगी किसी को भी मौका देगी तब भी जरा उतनी काबिलियत से काम करेगा जितना अपने लिए काम करेगा। देखिए अगर ये काम करते हैं, पार्टी में अगर काम कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को
ऐसी शख्सियत को जो है स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, और अगर पार्टी को बनाना है तो ऐसे इंसान को स्टार प्रचारक भी बनाइए, और इनको ऐसे ही लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए। और केजरीवाल साहब को तो परख बहुत अच्छे से हैं। और चलिए सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।